नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्ण हुसैन और इस वीडियो के माध्यम से मैं एयरफोर्स अग्निवीर मेडिकल के बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि मैं काफ़ी दिनों से ही कह रहा हूं अपने यूट्यूब के चैनल पर कि मैं जल्द ही लाऊंगा, बट समय नहीं मिल रहा था। तो इस बार ये जो है आज मैं इसे अपलोड करूँगा, शायद शाम 5:30 तक या फिर 5:45 तक अपलोड हो जाएगी वीडियो। तो आज का वीडियो है एयरफोर्स मेडिकल को लेकर। उससे पहले मैं फिर से एक बार बता दूँ, मैं जो मेडिकल के बारे में बताऊंगा वो तो मैं बताऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। अब हर सेंटर में सेम ही होता है। हाँ, सोचिए मेरा पहले एक्सरे हुआ था और बाद में ईसीजी हुआ था, आपका सेंटर में शायद पहले ईसीजी हो बाद में एक्सरे हो, ठीक है? तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मेरे में जो हुआ था मेरे सेंटर में वो आपके सेंटर में भी हुआ होगा। और जिनका 11 ASC गुवाहाटी में है ना, तो उनको दो जगह मिलती है मेडिकल, एक मिलती है तेजपुर, एक मिलती है छबुआ। तो तेजपुर आपकी गुवाहाटी से 200-250 किलोमीटर दूर है और छबुआ 550 किलोमीटर दूर है, ठीक है? तो आप अपना ट्रेन देख लीजिएगा कब है कब नहीं, ठीक है? और मैं फिर से एक बार बता दूं कि अगर किसी का कुछ भी प्रॉब्लम हो कि भैया मुझ में ये है, क्या मैं आउट हो जाऊंगा, भैया मेरे में ये है, क्या वो मुझे निकाल देंगे, भाई उतना मत सोचो, ठीक है? आराम से रहो, फेज़ टू दो, सबसे पहले फेज़ टू क्लियर करो, ठीक है? क्योंकि GD एक वाइटल रोल प्ले करती है और सेकेंड जो है वो आपका जो ये है मेडिकल, फिर उस पर ध्यान देना। कुछ भी हो कोई बात नहीं, अगर आपको री मेडिकल भी मिले तो आप ज़रूर जाइए, री मेडिकल में काफ़ी कैंडिडेट्स और क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा था SMC विंग तेजपुर में, जो कि मेरा जो रिपोर्टिंग टाइम था वो था 4:30 या फिर 5 बजे टाइम में। तो सबसे पहले वो जो जब एंट्री होती है ना, तो एंट्री के वक्त वो आपका जो आधार कार्ड है वो देखती है और एक डॉक्यूमेंट्स देखती है, शायद जो आपको फेज़ टू के दौरान जो आपको दी जाती है वो वाला। इसके बाद आपको अंदर ले जाया जाता है। तो अब सोचिए एक साथ 70-80 लड़के हैं तो ग्रुप बन जाती है, या फिर उतना भी नहीं हो तो 50 लड़के होते हैं, 40-50, तो अलग अलग ग्रुप बन जाती है वो, ठीक है? तो मैं शुरू करता हूँ कि क्या क्या मेरे साथ हुई थी। अब मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप लोगों का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ था वो आप लोगों के साथ भी होगा, इसलिए कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ठीक है? तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो मेरा सबसे पहले हुआ ब्लड टेस्ट खाली पेट में। याद रखिए, दो बार ब्लड टेस्ट होता है, एक बार खाली पेट में, एक बार खाना खाने के बाद। और हाँ, वो लोग वहाँ पर खाना खिलाते हैं, इसलिए आप ज़रूर पैसा लेके जाए, ठीक है? 110 या 115 रुपये लिया था मेरे टाइम में और 3 वक्त का अच्छा खाना दिया था। तो सबसे पहले हुआ था मेरा ब्लड टेस्ट खाली पेट में। तो ब्लड टेस्ट होने के बाद उसी टाइम यूरिन टेस्ट हुआ। यूरिन टेस्ट हो जाने के बाद अब मेरा हुआ आपका एक हॉल, एक रूम में ले जाया गया। वहाँ पर मेरा हाइट, वेट, चेस्ट मेजरमेंट हुआ और उसी जगह पे आई साइट का भी मेजरमेंट हुआ, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं, फार साइटेडनेस है या फिर नियर साइटेडनेस है, वो सब चेक हुआ। तो आपको पता ही है, सामने में जो है वो N/6 नॉर्मल है और जो दूर की विज़न वो 6/6 होती है, लेकिन एयरफोर्स में 6/12 तक अलाउ है और स्पेक्स पहन के बाद आपका जो विज़न है वो 6/6 होनी चाहिए, ठीक है? तो इसके बाद आपकी जो आती है वो है आई टेस्ट होने के बाद, हाइट, वेट, चेस्ट होने के बाद मेरी हुई थी एक्सरे। एक्सरे के लिए भी दूसरी जगह लेके गए थे वो लोग, वहीं पर है, ठीक है? दूसरी रूम में लेके गए थे, वहाँ पर ये जो चेस्ट है ना, इसका एक्सरे हुआ था, सिर्फ चेस्ट का एक्सरे हुआ था, ठीक है? चेस्ट का एक्सरे होने के बाद हम लोग फिर से अपने रूम में आए, फिर 1 by 1 करके हम लोग का BP टेस्ट हुआ, BP यानी ब्लड प्रेशर टेस्ट हुआ। तो इसलिए BP को नॉर्मल रखिएगा, ज़्यादा टेंशन लीजिएगा तो क्या होगा ना, हार्ट बीट ज़्यादा जोर से धड़कता है, आपको पता है, नॉर्मल चीज़ है। BP टेस्ट हुआ, BP टेस्ट होने के बाद हमारा जो टेस्ट हुआ था वो है आपका ECG। ECG में आपको पता है यहाँ पर पैर में और इस जगह में कुछ जैसा वो क्लिप जैसा लगा देते हैं, उसके बाद आपका जो है ECG टेस्ट होता है। तो ECG टेस्ट में आपको एकदम वो लेटा देंगे, तो नर्वस मत होइएगा, अच्छा अच्छा चीज़ सोचिएगा, ठीक है? जैसे नौकरी मिल जाएगा तो अपने परिवार के लिए आप क्या करेंगे, दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे, ऐसा अच्छा अच्छा चीज़ सोचिएगा, आराम से ECG निकल जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ECG हो जाने के बाद अब यहाँ आती है मेन चीज़, इसे गौर से सुनिएगा। आई साइट तो है ही, और किसी का अगर वेट 5-10 किलो कम या ज़्यादा भी है ना, तो भाई टेंशन मत करो, वो लोग क्वालिफाई करा देते हैं साथ। लेकिन आपका इतना श्योर होना चाहिए कि जब आप जाएंगे ज्वाइनिंग के लिए ना, तब आपके वेट नॉर्मल होने चाहिए, ठीक है? अब इसके बाद जो वाइटल चीज़ है वो है कि आपको एक रूम में लेके जाया जाता है, वहाँ पर एक डॉक्टर रहते हैं।
आप आपकी एडी से लेकर सर तक वो सब कुछ चेक करेंगे। सबसे पहला फ्लैट फुट, आपका फ्लैट फुट है या नहीं वो देखेंगे। सेकंड वेरिकोस वेन, ये है या नहीं वो देखेंगे। थर्ड नौकनी, नौकनी है या नहीं वो देखेंगे। उसके बाद आपका जो प्राइवेट पार्ट से वो चेक करते हैं, जो टेस्टिस से उसे चेक किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप और थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो ये जो है ना, ये इसे चेक करते हैं कि ये ज़्यादा नीचे है या फिर लेवल में है। जो लोग पुलअप्स जो है ना, पुलअप्स मारते हैं, तो जो लोग पुलअप्स थोड़ा सा टेढ़ा पे का मारते हैं ना, उन लोगों को ये अप डाउन हो जाता है। या फिर जिम में जाके ये जो रड उठाते हैं, ये वाला अगर कोई ज़्यादा हैवी वेट के साथ करे या फिर गलत करे तो यहाँ पर दिक्कत होती है, वरना यहाँ दिक्कत होने वाली कोई बात नहीं है। तो इसे चेक किया जाता है कि ये कैसा सही है या नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये जो हाथ है, ये हाथ, इसे देखा जाता है कि कैरी एंगल है या नहीं, तो दिक्कत ज़्यादा कुछ नहीं है। सेकंड, ये जो हाथ है ना, इस हाथों में स्वेट आ रही है कि नहीं, बस ये पसीना, स्वेटिंग पाम जिसे कहते हैं, वो चेक किया जाता है। मुझे काफ़ी कैंडिडेट से कमेंट आ रहा था कि स्किन कैलॉइड्स है तो क्या दिक्कत होगी। भाई स्किन कैलॉइड्स है आपका तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपका सच ही कभी अगर हाथ कट उठ भी गया होगा और कटने का दाग है, इसमें भी दिक्कत नहीं है। आपको जन्म से अगर कुछ दाग है शरीर में, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, एक जो है पाइल्स ज़रूर चेक किया जाता है, तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आप कितना ठीक कर सकते हैं अपने पाइल्स को, ठीक है। और इसके बाद जो है वो आपको होता है हेयरिंग टेस्ट। अब हेयरिंग टेस्ट कैसा होता है, हेयरिंग टेस्ट पहले वो जो डॉक्टर है ना, वो आपके कान को चेक करते हैं, और हाँ वो जीभ जो है, जीभ को भी देखते हैं कि कैसा है, पूरा खुल रहा है कि नहीं, ठीक है। कान को चेक करते हैं कि कान का जो पर्दा में कुछ छेद है या फिर कान साफ है या नहीं, ठीक है, वो सब चेक होता है। इसके बाद होता है हेयरिंग टेस्ट। हेयरिंग टेस्ट कैसे होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। हेयरिंग टेस्ट के बाद, हेयरिंग टेस्ट जो होती है वो होती है कि आपके इस कान में एक जन एक पेज रखेगा और उस पर पेंसिल से ऐसे से गोल गोल करेगा तो एक आवाज़ होती है, और आपके 5 या 6 मीटर दूर एक एयरफोर्स के आदमी हैं, माने सर ऑफिसर रहते हैं या फिर सर रहते हैं, वो कुछ बोलेगा उस, तो आपका इस कान की वो टेस्ट करते हैं, तो आपको सुनना है कि वो क्या बोल रहा है, फिर उसे रिपीट करना है। फिर सेम इस कान में भी वैसे पेज रख के वो घिसते हैं और इस कान का वो टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये हो जाने के बाद आप लोग को रूम में लेके जाते हैं। अब रूम में आते हैं, फिर से एक एयरमैन आती है, ये मैं अपनी बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर एक एयरमैन आया था अगले बार भी, वो अब देखते हैं आपका 28 डेंटल पॉइंट्स है या नहीं, और कहीं दांतों में प्लाक या फिर कैविटी या फिर जो पीला पीला होता है वो है या नहीं, इसे चेक करते हैं। तो 28 डेंटल पॉइंट्स अगर है तो आप पास है, अगर आपका कहीं भी दांत में छेद है या फिर कुछ भी है तो उसे डेंटिस्ट के पास जाकर भरवा लीजिए, ठीक है। ये सब होती है। फिर नाक का देखा जाता है, DNS, काफ़ी का नाक टेढ़ा होता है तो नाक को भी टेस्ट किया जाता है। बस यही सारी चीज़ है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं टेस्ट किया जाता है। आप बिंदास होके जाइए, आराम से मेडिकल को क्वालिफाई कीजिए, ठीक है। जितना मैं बताया यही इतना ही होता है, और कुछ नहीं होता है मेरे हिसाब से, और कुछ नहीं छूट रहा, मुझे इतना तो कन्फर्म याद है कि नहीं और नहीं कुछ छूट रहा मेरा। और वहाँ पर अगर आप किसी को रेड कार्ड भी मिलते हैं ना कि इसलिए हम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो लोग वहाँ पर रीमेडिकल के लिए भी अप्लाई करवाते हैं, चूँकि मैं नहीं किया था, ठीक है। तो रीमेडिकल में मुझे सिर्फ एक पॉइंट के लिए आउट कर दिया गया था, आप जो स्टैंडर्ड विज़न, मैं दूर का पढ़ नहीं पाया था। एक आँख ऐसे बंद करके इस आँख से पढ़ाते हैं, फिर इसको बंद करके इस आँख से पढ़ाते हैं, ठीक है, ऐसा करके टेस्ट होता है। तो मैंने जितनी सारी टेस्ट बनाई, मैंने इस वीडियो के माध्यम से मैंने जितनी सारी आपको टेस्ट बताई, यही सब होता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। आप आराम से रहिए, बिंदास रहिए। काफ़ी YouTube में वीडियो है जो मेडिकल के बारे में वीडियो बनाती है, लेकिन 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट खींच देती है, उतना कुछ ज़रूरी है नहीं। जितना लंबा जाएगा उतना आप लोगों को मन में भी और थोड़ा तरह का सवाल आएगा कि अगर ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, जो आप में समझ से नहीं है ना, आप उससे भी सोचने लगेंगे। इससे ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप बिंदास से फेस टू क्लियर कीजिए, GD क्लियर कीजिए, फिर आप आके मेडिकल भी क्लियर कीजिए। और अगर किसी भाई को बहन को अगर किसी में भी रीमेडिकल मिल जाए तो हारना नहीं है दिल से, आप उसे ज़रूर रीमेडिकल अप्लाई कीजिए। मैं नहीं किया था, ये मेरी गलती है, ठीक है। तो आप ज़रूर उसे अप्लाई कीजिए और जाके नेक्स्ट टाइम देख आइए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अगर आप लोगों को कुछ भी बेनिफिट पहुंचा पाया तो वो कमेंट के माध्यम से बताइए, और कुछ भी अगर डाउट होती है फिर से तो आप फिर से कमेंट करके मुझे बताइए, मैं ज़रूर आपका डाउट क्लियर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।